देव, क्या कह रहा था मंच पे बहुत साथे हो। मैंने कहा दुलाने के लिए तो दुनिया ही बहुत है, हम महात्मा तो कम से कम तुमको हंसना सिखाए, रुलाने के लिए तो दुनिया ही बहुत है, हम महात्मा तो तुमको मुस्कुराना सिखाए, तुम चार करने रोने नहीं दिया करने को। इंद्र ने हाथ पकड़ा करने का, बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही कुछ कर सकते हैं क्योंकि दुनिया वही बनाती है। ले गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज ये कर्ण है, इसने जिंदगी में कभी अन्न का दान नहीं किया, इसको भूख लगी है, आप इसकी कोई व्यवस्था करो। ब्रह्मा जी ने कहा अगर अन्न का दान किया नहीं तो फिर अन्न मिलने वाला। अब कर्ण ने और जोर से रोना शुरू कर दिया, ब्रह्मा जी को दया आ गई, बोले कर्ण जरा ठहर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। एक पल के लिए ब्रह्मा जी ने आंख बंद की और जन्म से लेके मरण तक कर्ण की पूरी जिंदगी देखी, जन्म से मरण तक कर्ण की पूरी जिंदगी देखी। बोले हो गई कर्ण तेरी व्यवस्था हो गई। कर्ण ने पूछा महाराज क्या व्यवस्था हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा अपनी उंगली अपने मुख में डाल और चूसना शुरू कर दे, अपनी उंगली अपने मुख में डाल और तेरा पेट भर जाएगा। अब करण ने मुख में उंगली डाली, उंगली चूसी और करण का पेट। ब्रह्मा जी बोले बेटा जब तक स्वर्ग में रहेगा उंगली चूसते रहना, तेरा पेट भर जाएगा। करण ने कहा महाराज मेरी उंगली में इतनी शक्ति इतनी पावर इतनी ताकत कहां से आई। ब्रह्मा जी बोले ये छोड़, बस जब भी भूख लगे तो उंगली चूसना। नहीं महाराज बताना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले अगर जानना ही चाहता है तो सुन, एक दिन तू गंगा जी में स्नान कर रहा था, सुनने जैसी बात। क्या बोले ब्रह्मा जी, एक दिन तू गंगा जी में स्नान कर रहा था, हमारा मैं तो रोज स्नान करता, याद कर एक दिन दोपहर के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहा था, उसी समय तेरे यहाँ एक साधु आ गया। साधु ने कहा भिक्षान दे, मुझे भूख लगी है मुझे भोजन कराओ। तुमने एक सोने की भरी हुई थाली साधु के सामने रख दी, महाराज ये सोना ले जाओ। लेकिन महात्मा पकड़ थे, पैसे को हाथ लगाते नहीं थे। महात्मा ने कहा आपको सोना चांदी नहीं चाहिए, हमको तो भोजन चाहिए, नहीं तो हम खाली चले जाते। कर्ण ने कहा महाराज भोजन तो मेरे पास नहीं है, अगर आप भोजन करना चाहते हो तो पास में विदुर जी की पूजा है। पास में किसकी पूजा है, विदुर जी की, उनके यहाँ भोजन बना होगा, आप उनके यहाँ जाके भोजन करो। कर्ण उन्हें महात्मा को विदुर की कुटिया पर भेज दिया। महात्मा ने विदुर की कुटिया पर जाकर के भोजन किया, उसका पेट भर गया। कर्ण ने कहा महाराज कैसी बात है, अन्न का दान किया विदुर ने, दान लिया महात्मा ने साधु ने, ये बीच में मेरी उंगली कहां से आ गई, बीच में मेरी उंगली कहां से आ गई। ब्रह्मा जी बोले कर्ण तू नहीं जानता, तूने किसी उंगली से इशारा किया था कि वहां पर भोजन मिलेगा, वहां पर भोजन मिलेगा। एक इशारा करने विचार करने, एक इशारा करने से स्वर्ग में भोजन की व्यवस्था हो गई, अन्न का दान किया नहीं केवल इशारा किया। इशारे से इतना बड़ा महाराज इतनी बड़ी कृपा हो सकती है, आप विचार करना। ये लोग जो अपने घर से इतनी दूर आकर के अमरनाथ जी में अन्न का दान करते हैं, उनका कल्याण होने में भी कोई देर लगने वाली नहीं है। अन्न का दान बड़ा महत्वपूर्ण, उस औरत ने उस बहू ने चार रोटी बना करके गरम गरम बाबा जी को दे दी, बाबा जी ने भोजन किया। अब भोजन करके बाबा जी चलने लगे, बाबा जी ने उस औरत से उस बहू से पूछा बेटी एक बात बताओ। पूछे मारा, महात्मा जी बोले बेटी ये बता कि तुम ताजा खाते हो कि बासी खाते हो। क्या पूछा, ताजा खाते हो कि उनको बहू दो चार मिनट में चुप रही, तो चार मिनट के बाद बोली गुरु जी हम तो बासी खाते हैं, हम तो महात्मा चले गए। अब उस बहू के पीछे उसके ससुर जी खड़े थे। ससुर जी ने कहा बेटी तू झूठ क्यों बोल रही, अपने घर में तो रोज भोजन बनता है ताजा, हम तो कभी बासी खाते नहीं, तो तूने महात्मा को झूठ क्यों बोला। बहू बोली महाराज क्षमा करना ससुर जी, लेकिन मैंने महात्मा को गर्म रोटी बना करके दिया,
मैंने महात्मा को गर्म रोटी दिया था, तो ये प्रश्न बनता ही नहीं था कि गर्म ताजा खाते होंगे। वास्तव में महात्मा जी कुछ और पूछना चाहते थे। महात्मा जी पूछना चाहते थे कि तुम किस जन्म का खाते होंगे, पिछले जन्म का खाते हो? अगर किस जन्म का खाते हो तो ताजा, और पिछले जन्म का खाते हो तो पिताजी आज मुझे आपके घर आए 2 महीने हो गए, आपके घर में कभी दान पुण्य नहीं होता, कभी नाम जप नहीं होता, कभी आरती पूजा नहीं होती, आपके घर में ताजा नहीं, आपका तो कोई पिछले जन्मों का है जो आप खा रहे हैं। ससुर जी की आप बोल रही बात तो बेटी ठीक है।